हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, ये इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। सो दोस्तों, हम इस चैनल पर 24 आवर चैलेंजेस, साइज एक्सपेरिमेंट, लाइफ हैक्स एंड प्रैंक जैसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो मेक श्योर दोस्तों आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस चैनल की पहली वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इस पे। सो दोस्तों, ये है सीलिंग फैन का कंडेंसर। सो दोस्तों, बहुत जगह इसे कैपेसिटर भी बोलते हैं और बहुत लोग इसे कंडेंसर भी बोलते हैं, लेकिन काम तो ये एक ही करता है। सो दोस्तों, आज हम इसको काटने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे ऐसे टच कराऊँ एक दूसरे में तो दोस्तों इसीलिए हम इसको काट के देखने वाले हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या। दोस्तों आज हम इसे काटने वाले हैं और हम इसे काटेंगे इस एक्सो ब्लेड की मदद से, क्योंकि हमारे पास वो ग्राइंडर नहीं है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर का प्लास्टिक तो हमने काट दिया। सो दोस्तों, हमने सोचा था आसानी होगी काटने में, लेकिन काफ़ी मुश्किल हुआ इसको काटने में, क्योंकि काफ़ी हार्ड है ये। पता नहीं ये प्लास्टिक हार्ड है या ये एक्सो ब्लेड कमज़ोर है, पता नहीं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके प्लास्टिक उतारने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद। सो दोस्तों चलिए अब इसके इस लेयर को भी निकालते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या है। मैंने तो इसे आज से पहले इसे कभी ऐसे नहीं देखा। दोस्तों आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि इससे कितनी मेहनत लग रही है इसको निकालने में। और आई थिंक ये दोस्तों ये कुछ मेटल का पार्ट है, और इसको भी काटते हैं। इसको करते हैं हम साइड में और इसको भी काटते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों हमने इसे लगभग आधा कट कर दिया है, आप देख सकते हैं।
और ये काफ़ी हार्ड है दोस्तों, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना हार्ड होगा। मैंने सोचा था इजीली कट जाएगा, लेकिन ये इतना इजी है भी नहीं, ये काफ़ी हार्ड है। तो कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं ये कट पाता है कि नहीं कट पाता है। पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश करते हैं इसको काटने की पूरी तरह से, देखते हैं कि आखिर ये इतना हार्ड क्यों है। चलो A few inches later. तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इसको इसके ऊपर ही जो मेटल का परत था उसको भी निकाल दिया है। पहले हमने इसके इस प्लास्टिक के परत को निकाला, अब हमने जो है उसके बाद ये इसके कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक जैसा था उसको भी निकाल दिया। ये कुछ पीवीसी पाइप जैसे बनता है उसी टाइप का प्लास्टिक है। और दोस्तों इसके बाद हमने देख सकते हैं आप इसके अंदर है ये एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि गाइस मुझे तो नहीं लगा था कि इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल होगी, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, और ये काफ़ी हार्ड चिपकी हुई है, छूट भी नहीं रही हैं। इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, आपको दिखाते हैं अंदर तक इसके क्या है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर है ये एल्यूमिनियम की मोटी लेयर, एल्यूमिनियम फॉइल की मोटी लेयर। ये देखिए गाइस, कितनी ही बड़ी एल्यूमिनियम फॉइल की लेयर चिपकी हुई है। मैं एक साइड से छुड़ाता हूँ, एक साइड का नहीं छुड़ाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कितनी मोटी है। ये देखिए गाइस, छूटता ही जा रहा है, छूटता ही जा रहा है। ये देखिए गाइस, छूटता ही जा रहा है, आई थिंक ये काफ़ी बड़ा है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा ही एल्यूमिनियम फॉइल है। तो हम इसको इतना अगर पूरा निकालते जाएंगे तो ये पूरा ही एल्यूमिनियम फॉइल रहेगा इसके अंदर। ये देखिए गाइस, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको निकालने में। काटने में तो बहुत मेहनत लगा, बट अभी इसको ऐसे निकालने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताना। अगर वीडियो लगी हो अच्छे तो प्लीज़ कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाली आगे की वीडियो आप मिस ना करें। तो जब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।